ओहो, तुम लोग सब आ गए हो। हाँ, हम लोग सब आ गए हैं। अब तुम तुम्हारे झोली से कहानी निकाल के हम लोगों को सुनाओ। हाँ, कान्हा बाबा के पास कहानी के सिवा और क्या है तुम लोगों को देने के लिए? फिर सुनो। एक था राजा। नहीं नहीं मामा, अब और राजा या राक्षस नहीं। क्यों, क्या हुआ? तुम जानते हो तितलियों के पास कितनी जानवरों की कहानियाँ हैं। आज हम लोगों को जानवरों की कहानी सुनानी पड़ेगी। ठीक है, वही सुनाऊंगा। लेकिन तुम लोग सब कहानी याद रखना। तो फिर सुनो। एक घने जंगल में विशाल विशाल पेड़ थे। उन पेड़ों पे ढेर सारी चिड़ियों की बसेरा थी और उन्हीं पेड़ों में से एक पेड़ था जिसपे दो कौवा रहते थे। वो दोनों एक साथ वास करते थे, लेकिन उन दोनों में नफरत कम नहीं थी। एक दूसरे से कोई कम नहीं था, उन दोनों को बस मौका चाहिए एक दूसरे से झगड़ा करने की। एक दिन, अरे ओ कौवा जी, आप इतना चुपचाप क्यों हैं? कुछ नहीं हुआ। अरे तुम्हारा दोस्त कहाँ है? वो दिख नहीं रहा है। ए, तुम ध्यान से सुनो, वो मेरा दोस्त नहीं है। तुम दोनों एक ही जात के हो, फिर भी क्यों झगड़ा करते हो, बताओ कौवा। ठीक बोल रही हो, ये लोग एक जात के हो के भी हमेशा झगड़ा ही झगड़ा करते हैं। एक साथ रहते हो तो मिलजुल के नहीं रह सकते। हाँ हाँ, तुम लोग तो हमेशा मुझे ही डांटते हो। हमेशा मेरी गलती है, मैं ही झगड़ा करता हूँ सिर्फ। वो नहीं, वो फिर से मुझसे झगड़ा कर रहा है कि मैं ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ और ज़्यादा ऊपर से उड़ सकता हूँ, मैं नहीं। इसीलिए तो मन खराब करके मैं बैठा हूँ ऐसे। उसी वक्त कहीं से उड़ के आके पेड़ पे बैठा दूसरा कौवा। उसके बाद क्या खबर है, क्या बातचीत चल रही थी? एक साथ बैठ के क्या बात चल रही है, बताओ जरा। यही तुम्हारी बात हो रही थी। मेरी बात? हाँ तुम्हारी बात। तुम लोग एक ही जात के हो के क्यों लड़ते हो बच्चों जैसा कौवा? तुम कहे हो कि तुम्हारे उड़ने की शक्ति सबसे ज्यादा है। हाँ अभी भी बोल रहा हूँ, मेरी ताकत ज्यादा है। नहीं, कभी नहीं, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम मानो या ना मानो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ही सबसे ज्यादा ऊपर उड़ता हूँ। मैं भी तुम्हारे जैसा ऊपर तक उड़ सकता हूँ। झूठे कहीं के, तुम्हारी इतनी हिम्मत ही नहीं। मुंह संभाल के बोलो वरना ठीक नहीं होगा, कह दे रहा हूँ। ऐसा क्या क्या कर लोगे तुम, बताओ, दिखाओ कितना ताकत है तुम्हारे में। दिखाओ दिखाओ। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसे ही झगड़ा करोगे क्या तुम लोग? कौन ज्यादा ऊपर तक उड़ पाता है उसे रेस लगा के देख लेते हैं। हाँ तोता, ठीक बोल रहे हो, ये प्रतियोगिता करके ही देख सकते हैं कौन कितना ऊपर तक उड़ सकता है। हाँ ठीक ठीक, तुम लोग लाती हो ना? हाँ हाँ, वही होगा, देखते हैं कौन जीतता है। ठीक है ठीक है, फिर तो फिर सुनो तुम दोनों, कल सुबह तुम लोग दो थैले में अपने चोंच में नमक लेके आना और यहीं से उड़ना शुरू करना, और हम लोग तभी देखेंगे कि तुम दोनों में से कौन ज़्यादा ऊपर तक उड़ सकता है, वही जीतेगा। हाँ हम लोग नज़र रखेंगे कौन तुम दोनों में से ज़्यादा ऊपर उड़ता है। हाँ हाँ वैसा ही होगा। और फिर कल सुबह सही समय आ जाना। हाँ हाँ सही समय आ जाऊंगा। ठीक है तो कल मिलेंगे। अगले दिन सुबह प्रतियोगिता जहाँ से शुरू होने वाली थी उसी पेड़ पे सारी चिड़िया के उपस्थित हुई, और कहने के अनुसार दोनों कौवा भी उपस्थित हुए। और पहला कौवा मन का सच्चा था, वो थैले में नमक ही भर के लाया था, और शैतान दूसरा कौवा वो थैले में रुई भर के लाया था छिपके, ताकि हल्के थैली लेके वो ज्यादा ऊपर तक उड़ पाए। उसके बाद रोक बेवकूफ कौवे, मैं तुझे तो हरा के ही रहूंगा, तू तो नहीं जानता मेरे थैले में क्या है,
तो उड़ उस भारी नमक वाले थैले को लेके। क्या हुआ, तुम दोनों तैयार हो ना उड़ने के लिए? हाँ तैयार है। तो फिर देर किस बात की, उड़ना शुरू करो। उसके बाद दोनों ने उड़ना शुरू किया। पहला कौआ बड़े ही कष्ट से नमक वाला थैला लेके उड़ रहा था और दूसरा कौआ आराम से हल्की वाली रुई वाली थैली लेके उड़ रहा था। अचानक बादल गरजना शुरू हुआ और बारिश हुई। अरे अरे, मेरा थैला भारी क्यों हो रहा है? वाह, मेरा थैला तो हल्का होता जा रहा है। अरे अरे, मैं तो उड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं नीचे क्यों आ रहा हूँ? अरे अरे, इतना भारी क्यों हो रहा है थैला? अरे अरे, मैं नीचे आ आ आ। अरे अरे, वो नीचे क्यों आ रहा है? वो तो इतने देर से ऊपर उड़ रहा था, क्या हुआ उसे? क्या हो गया? जाने दे, नीचे जा रहा जाए, मैं तो ऊपर उड़ रहा हूँ, अब तो मैं ही जीतूंगा। बड़ा ही मजा आ रहा है। बारिश में भींगने के कारण रुई भारी हो गया था, इसीलिए वो कौआ वजन ना संभालने से नीचे गिर पड़ा और दूसरे कौवे की थैली में से पानी से नमक धुल जाने के कारण वो ऊपर उड़ने लगा। आखिर में जीत उसकी हुई। Oh, 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 oh